बच्चे बच्चे की जुबान पे इनके काम और इनके द्वारा किए गए जनहित के कामों की चर्चा। सिंह तंवर जी आज अपनी पूरी टीम के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी से विनती करूंगा कि वो उन्हें एक प्रतीक चिन्ह आम आदमी पार्टी का पहनाकर उन्हें आम आदमी पार्टी में विधिवत ज्वाइन कराएं। आज ब्रह्म सिंह जी के साथ कुछ साथी आए हुए हैं, मैं उनका नाम लूंगा, एक एक करके आते जाए और सीएम साहब उनकी ज्वाइनिंग करेंगे। रामवीर तंवर जी, विकास तंवर जी, दिलीप कुमार जी, सुभाष शर्मा जी, उमेश भारद्वाज जी, महेश शर्मा जी, सत्य कौशिक जी, सोनू डागर जी, वेदपाल जी, आर.एस. राघव जी, ओम प्रकाश तंवर जी, इसमें आ रहा है ओम प्रकाश तंवर जी, कंवर सिंह जी, मोहम्मद सगीर जी, अजय सिंह पूर्व उपाध्यक्ष युवा मोर्चा छतरपुर, सुशील अम्बावता, सुखवीर जी, विनोद पहलवान जी, जयवीर जी, जय गंगा जी, हरीशचंद जी, महेंद्र अम्बावता जी, सलीम खान जी, रितेश डागर जी, सुरेंद्र डागर जी, सोनू डागर जी, सुनील डागर जी, आर.एस. राघव प्रवक्ता भाटी मंडल, धर्मपाल उपाध्याय, रविंद्र बाल्मीकि, सुखवीर तंवर, सुरेश उर्फ भोला जी, सबके काफी पद, सुनील फोगाट जी, रवि लोहिया जी, स्वागत है आपका। स्वागत है, अजय भाई साहब, विकास भाई, और कोई है? मुन्ना राव जी हैं और इंदु जोशफ जी, मुन्ना राव जी और इंदु जोशफ जी, मंच पर उपस्थित हमारे दिल्ली के पूर्व सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी, श्री दुर्गेश जी, अपने रोमी भाई, बॉम्बे वाले नहीं दिल्ली वाले, और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता और प्रेस के मेरे बंधु, आज पूरा मन बना करके मैं भारतीय जनता पार्टी से अपने संबंध तोड़कर और आम आदमी पार्टी में माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम करने का पूर्ण रूप से मन बना चुका हूं, और इन्हीं के कर कमलों द्वारा ही मुझे आज पार्टी में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैंने क्षेत्र में और अपनी विधानसभा में और दिल्ली में भी
आसपास भी, मैं ये भी कह सकता हूँ कि पूरे एनसीआर में भी, जब से बाल्यकाल से लेकर के अब तक क्षेत्र की पूरी सेवा की है, जो भी मेरे से बन पाया, चाहे वह रोजगार को लेकर है, चाहे क्षेत्र के विकास को लेकर के है, चाहे अपने जिस पार्टी में मैं रहा उस पार्टी को नाम आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब मैं पूर्ण रूप से मैं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, पूरे मन से जुड़ा हूँ। कुछ अरविंद केजरीवाल जी के उत्साह को देख करके, उनकी कार्यशैली को देख करके, दिल्ली के विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो और क्षेत्र में हो, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में हो, उन सब बातों को लेकर के मैं उनके साथ जुड़ा हूँ और मिल करके उनके साथ कदम से कदम मिला करके अपने पूरे क्षेत्र की सेवा करेंगे। आने वाले चुनाव में हम जो आम आदमी पार्टी की सरकार जो बनेगी उसमें पूरा सहयोग देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का भी और खासकर माननीय अरविंद केजरीवाल जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे और मेरे साथियों सहित, बहुत सारे हैं जो यहां पे अभी नहीं भी आ पाए हैं, वो बाद में ज्वाइन करेंगे, और काफ़ी लोग आज यहां पे भी आए हैं जो विभिन्न पदों पर रहे हैं, ऐसे पूर्व कार्यकर्ता सब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। आज आम आदमी पार्टी के लिए बेहद खुशी का दिन है। ब्रह्म सिंह तंवर जी दिल्ली की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा हैं और दिल्ली के बहुत बड़े नेता हैं। पिछले 50 वर्षों से अलग अलग तरह से वो दिल्ली के लोगों की सेवा करते रहे हैं, कभी सीधे सरकार के अंदर तो कभी सरकार के बाहर, लेकिन अलग अलग तरह से वो लोगों की सेवा करते रहे हैं। और अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जहाँ उन्हें, एक बार छतरपुर के एमएलए रहे, एक दो बार छतरपुर के एमएलए रहे और एक बार उस मेहरोली वाली एरिया के एमएलए रहे, जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिला उन्होंने उन क्षेत्रों का विकास किया और उनका दिल्ली के विकास में काफ़ी योगदान रहा है। आज वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी मात्र 10-12 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन जिस तरह से पहले दिल्ली में और अब पंजाब में आम आदमी पार्टी का काम और उसकी जो विचारधारा है उससे प्रभावित होकर परिवार बढ़ता जा रहा है हम लोगों का, और अलग अलग अच्छे अच्छे लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं ब्रह्म सिंह तंवर जी का और उनकी पूरी टीम का आज आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं, और मुझे लगता है कि उनके आने से आम आदमी पार्टी का जो हमारा परिवार है वो भी सशक्त होगा, उसे ऊर्जा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, और दिल्ली के विकास को भी जो हम करते रहे आम आदमी पार्टी के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा, उस विकास को भी गति मिलेगी। शुक्रिया। नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जाहिर तौर पे कि यही टाइम होता है जनतंत्र के अंदर, जब हर 5 साल में हर चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव का एक तरह से जनता आकलन करती है, तो सबके काम के हिसाब से उनका भी आकलन किया जाएगा, जनता भी आकलन करेगी, पार्टी भी आकलन करेगी। मैंने पिछले दिनों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा काम देखा और मुझे अच्छा भी लगा, और काफ़ी दिनों से जिस पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ, मैं नाबालिग था तब से मैं उस पार्टी में काम कर रहा हूँ, मुझे पूरे 50 वर्ष 24 में हो गए हैं, लेकिन जब बहुत लंबा टाइम आ जाता है और पार्टी के अंदर भी बहुत अलग अलग किस्म से कार्यकर्ता भी आ जाते हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत
मतभेद भी हो जाता है, लेकिन मेरे मन में ये बात थी कि मुझे मैंने काम ही केवल क्षेत्र का किया है और लाइफ में दूसरा काम किया ही नहीं है सेवा के सिवाय। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ रह करके मैं ज़्यादा काम कर पाऊँगा, ज़्यादा सेवा कर पाऊँगा, और इसलिए मैंने ये रास्ता चुना और मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला, उनके आचार विचार मुझे अच्छे लगे और मैंने उनको ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू जी।